हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल मेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है पैरापेट वॉल के लिए। सो फर्स्ट ऑफ पॉइंट के लिए मेरा यही रहेगा कि कौन सी पैरापेट वॉल हमारे लिए बेस्ट रहेगी, आइदर RCC और ओनली ब्रिक वर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर भी ब्रिक वर्क हुआ हुआ है स्लैब के ऊपर, जस्ट स्लैब के ऊपर ब्रिक वर्क करवा दिया है, और आइदर ऑफ दैट ग्लास पैरापेट वॉल। सो गाइज, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको कि पैरापेट वॉल हम क्यों देते हैं। और एक हमारे पास स्टील की भी पैरापेट वॉल बन सकती है। तो पैरापेट वॉल हम देते हैं एक तो सेफ्टी पर्पस के लिए। ये कई बार क्या होता है कि जैसे वो हमारा छत हो गया तो वहाँ पे बच्चे अगर कुछ खेल रहे हैं तो गिर ना जाएं, एंड दूसरा होता है अच्छा व्यू आए हाउस का, एक गुड लुकिंग हाउस हमारा बने, उसके लिए हम पैरापेट वॉल देते हैं। मेनली जो थिकनेस होती है पैरापेट वॉल की वो 4.5 इंच ही होती है, और यू कैन से 11.5 सेंटीमीटर। जैसे ये ओनली 4.5 इंच में कंस्ट्रक्शन करी हुई है, वो भी 4.5 की है। एंड जो स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए पैरापेट वॉल की वो है 3 फीट 3 इंचज, जो कि एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, जिससे अगर आप अपने पैरापेट वॉल के ऊपर, जैसे आप अपने पैरापेट वॉल के ऊपर अगर अपना पूरा फोर्स लगा के खड़े हैं, मतलब आपका वेट पूरा जा रहा है, तो एक अच्छे से खड़े होने के लिए जो पोजीशन होती है उसके स्टैंडर्ड साइज है 3 फीट 3 इंचज। और मेनली जैसे अब यहाँ पे तो RCC वर्क हो जाएगा, अगर आप ब्रिक वर्क से कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्ट हो गया है, और मेनली अगर आप स्टील का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे ये अभी स्टील वाली, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी ग्लास वाली अगर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि डायरेक्टली नहीं करवाना चाहिए, तो हमें 3 स्टेप वो ब्रिक वर्क करने चाहिए, उसके बाद ग्लास लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंट व्यू होता है वो नहीं मिलेगा नीचे से, कोई आपका ट्रांसपेरेंट व्यू हो जाएगा तो नीचे से हर कोई देख सकता है ये अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो मोटा रेशो होगी वो हमारी वो होगी 1:4 की, अगर हमारा 1 सीमेंट है तो 4 हमारा डस्ट होगा। और जो स्टेनलेस स्टील की बनती है पैरापेट वॉल, उसके भी एक अच्छा लुक लगता है हाउस का, जैसे ये हाउस का अच्छा लुक लग रहा है। और अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा। तो बेस्ट मेरे लिए रहता है कि RCC की जो हम पैरापेट वॉल बनाते हैं, या तो आप इसका आप क्या कर सकते हैं, आप जो हमारा 3 स्टेप होगा, जो 3 स्टेप होगा यहाँ पे, ये 3 स्टेप वाली ब्रिक वर्क लगी हुई है स्लैब के जस्ट ऊपर, तो हमें यहाँ पे रिइंफोर्समेंट करके यहाँ पे हमारा एक और सरिया लगेगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एंड उसके ऊपर हम शटरिंग करके इसके ऊपर हम RCC कर देंगे 3 स्टेप तक, और उसके ऊपर हम चाहे ब्रिक वर्क करवा सकते हैं, या फिर हमारा स्टील वर्क करवा सकते हैं, या फिर हम अपना ग्लास वर्क करवा सकते हैं। उससे हमें एडवांटेज क्या होता है कि जो आप देखते होंगे कि क्रैक्स आ जाते हैं यहाँ पर वॉल में, पैरापेट वॉल में नीचे नीचे क्रैक्स आ जाते हैं, वो नहीं आएगा हमारा, तो सबसे बेस्ट यही रहता है। अब जब ये ब्रिक वर्क जस्ट स्लैब के ऊपर ब्रिक वर्क हो गया है, तो इसके अंदर क्या होता है कुछ सालों बाद क्रैक आ जाता है, जैसे आप देखते होंगे प्लास्टर के ऊपर क्रैक आ जाएगा, फिर हमें दोबारा इसके ऊपर प्लास्टर करवाना पड़ेगा। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।